अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डिलाइटफुल क्यूजिंस। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं बेहतरीन और मसालेदार अंडा मसाले की रेसिपी। 2 मिनट्स में बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये रेसिपी इतनी झटपट है और इतने मज़े की है कि आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे तो बहुत शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इसे आप खिचड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, दाल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और मज़े से खा सकते हैं। कोई भी आप सादा खाना बनाए तो ये मसालेदार साइड डिश बनाए और सर्व करें उसके साथ, और बहुत ही मज़े का लगता है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड में आपको रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 6 अंडे लिए हैं, इसमें पानी ऐड कर देंगे और हल्का सी सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसे बॉईल करने के लिए पहले रख देंगे। अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तब इसके छिलके निकाल देंगे। ओके, यहाँ पर हमने अंडों को अच्छी तरह से छील लिया है और अंडों में ना इस तरह से नाइफ से कट लगा देना है, हल्का हल्का सी ऐसे कट लगा देना है, या फिर आप 2 पीस भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अंडों को प्रिपेयर कर लें और फिर इसे मसालों में हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर कढ़ाई हीट हो रही है, इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। 3 to 4 tablespoons ऑयल ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से हीट कर देंगे। तो जितना तेल रहेगा उतना मसाला बनेगा अच्छी तरह से, फिर मसाले में अंडे लुतपुत होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे ऐड करके अच्छी तरह से सौते कर लें, मीडियम फ्लेम रखें, मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और इसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 tablespoon रेड चिली पाउडर और साथ में 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर और 1/4 teaspoon गरम मसाला पाउडर। इससे अच्छा खुशबू आती है, फ्लेवर होता है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर देंगे और साथ में सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एंड इसे कुक नहीं करना है, बस हल्का से मिक्स करके अंडे ऐड कर देंगे। अब ये मसाले में अंडों को लुतपुत कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप चाहें तो अंडे को 2 पीस में कट करके भी ऐड कर सकते हैं और या फिर इस तरह से अक्खा अंडा भी हल्का सी स्लिक करके ऐड कर सकते हैं। बहुत ही झटपट रेसिपी है, 2 मिनट्स में बन जाते हैं और बिल्कुल मज़े का अंडा बनता है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, दाल चावल बनाएं या खिचड़ी बनाएं, उसके साथ आप ये बनाकर साइड डिश के तौर पर रख कर खाएं, इतना मज़े का लगेगा और बहुत ही फ्लेवरफुल चटपटा अंडा मसाला। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, झटपट रेसिपी, और बनाकर सर्व करें और इन्जॉय करें। दैट्स इट, ये हो चुका है, अब इसे हम सर्व करेंगे। दैट्स इट, अब अंडा मसाला सर्व करेंगे। गर्मा गर्म मज़ेदार सा मसालेदार अंडा। तो ये झटपट सी रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है, मसालेदार अंडे, और बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी बनाएं, एंजॉय करें, सर्व करें, खाएं, खिलाएं और मज़े करें। दैट्स इट, ये मसाला भी बहुत मज़े का लगता है। और साथ ही गार्निश कर देंगे चॉप्ड कोथमीर के साथ, एंड दैट्स इट। ये बेहतरीन सी मसालेदार अंडे मसाले की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, 2 मिनट्स में बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये रेसिपी आप बनाएं और सर्व करें और एंजॉय करें। तो ये मज़ेदार सा अंडा मसाला आप खिचड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दाल राइस के साथ सर्व करते हैं, जो भी आप सादा खाना बनाते हैं उसके साथ ये मसालेदार साइड डिश बनाएं, सर्व करें और इन्जॉय करें। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़।